नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मेरा नाम है उर्वशी सिंह। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कल एक खबर सामने आई थी जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हुए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इस पर शोक व्यक्त कर रहे थे। वहीं अब इस खबर में, इस स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है जिसको देखकर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हैरान हो चुके हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका गुस्सा भी अब फूट रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर किया है और जिस बात से इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो जिंदा है। आपको बता दें कि उनकी जान जाने की खबर को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही थी, कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि उनकी, हालांकि जो शव नहीं मिला था तो इसलिए सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या वो जिंदा है। और इस बात की अब पुष्टि हो गई है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जो है वो साझा किया है जिसमें उन्होंने इस बात की जो अफवाह उन्होंने उड़ाई थी अपनी जान जाने की, उसका वजह ये बताया है कि वो कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना चाह रही थी। आपको बता दें कि उनकी जब जान जाने की खबर सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि सर्वाइकल कैंसर के चलते उनकी जान चली गई है। फिलहाल उनके इस खबर आने के बाद कई सारे सेलिब्रिटीज़ में देखा गया कि उन लोग, कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटी ने उनको, उनके लिए श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्हें टैग करके कहा था कि शोक व्यक्त किया था अपनी तरफ से, और इसी को लेके कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे थे। कई लोग जो थे उनके जान जाने की खबर को लेके कह रहे थे कि इनकी इस जान जाने पर जांच होनी चाहिए कि क्या वजह है। कई लोग, ये जो मामला था उसको कहा जा रहा था कि इसके पीछे किसी की साजिश है। हालांकि वो जितने ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में रही हैं, हमेशा चाहे अपने बयानों को लेकर या फिर अपने द्वारा किए गए किसी भी काम को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो था वो कहीं ना कहीं संदेह में ज़रूर था। क्योंकि कहा जा रहा था कि जब तक उनका शव नहीं मिलता है तब तक इस बात की पुष्टि कैसे की जा सकती है कि उनकी जान चली गई। हालांकि अब उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद काफ़ी लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके इस पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं इसको, या फिर उनकी इस हरकत की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। काफ़ी लोग जो हैं उनको कहा जा रहा है कि लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, इसके ज़रिए उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस तरीके की कई सारी बातें भी हैं जो सामने आ रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए इन खबर।